Hey guys, welcome back to channel. This is Raj and today's topic is placement in LPU. Okay, तो सबसे पहली बात, LPU में बहुत सारे courses हैं, बहुत सारे branches हैं, तो कौन कौन से ऐसे branch हैं जहाँ पे आपको अच्छे placement मिलेंगे और कौन कौन से ऐसे course हैं जिसके अंदर में आप अच्छे placement के साथ job ले सकते हो. तो सबसे पहली बात, यहाँ पे रस बहुत ज़्यादा है और अगर आप देखो placement wise तो यहाँ पे सिर्फ CSE, BTech CSE, उसमें IT भी ले सकते हो, साथ में आप टेक्निकल के फील्ड में MCA वगैरह भी ले सकते हो. तो ये जो फील्ड है जहाँ पे आपको अच्छे खासे नंबर में स्टूडेंट मिलेंगे, लेकिन साथ में यहाँ पे इस फील्ड की कंपनीज जो है वो आती है, तो इसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी पूरी मिलेगी. लाइक मैं बात करूँ प्लेसमेंट की, तो लास्ट ईयर जो प्लेसमेंट, अभी जो 2020 में जो प्लेसमेंट हुआ था उसमें कॉग्निजेंट ने एक सिंगल डे में 610 स्टूडेंट 610 स्टूडेंट्स को प्लेस्ड करा था. उसके बाद अगर मैं इस साल की सबसे जो LPU की जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेसमेंट जो कि स्टार प्लेसमेंट की बात करूं, तो माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू जो एक लड़की को एग्जैक्ट 42 लाख का जो प्लेसमेंट मिला था, वो एक लड़की को मिला था माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, जो कि यहाँ का स्टार प्लेसमेंट है, अब तक का हाईएस्ट प्लेसमेंट है LPU का. तो ये कुछ बातें. और इसके अलावा मैं बात करूँ कि इसका प्लेसमेंट कैसा है, तो बीटेक सीएसई में आपको प्लेसमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्योंकि इसके सारे कंपनीज आती है. बट अगर आप मैं बात करूँ कि मैकेनिकल के, सिविल के और दूसरे ब्रांचेज की, तो वहाँ पे आपको प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं होगा. वहाँ पे जो बच्चे प्लेस्ड होते हैं वो रेयरली उस कंपनी में जाते हैं जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, वरना उनको भी ये IT सेक्टर वाले उठा के ले जाते हैं, मतलब प्लेसमेंट के लिए उन्हें उसमें प्लेस कराते हैं. तो वो वहाँ जाके करेंगे क्या, मतलब जिन्होंने मैकेनिकल पढ़ा है वो CSE और IT में जाके क्या करेंगे, तो एक प्रॉब्लम है. बट अगर आप प्लेसमेंट वाइज देखो तो BTech CSE IT और MCA के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट आपको लड़ना पड़ेगा, आपको फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर आप देखो तो इंजीनियरिंग के फील्ड में यहाँ पे LPU में ऑलमोस्ट आपको 7 to 8 K, मतलब 7 से 8 हज़ार स्टूडेंट यहाँ पे हैं. अगर मैं अकेले CSE की बात करूँ तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट आधे बच्चे जो BTech में पढ़ रहे हैं, 4,000 से 4,500 स्टूडेंट आपको सिर्फ BTech CSE में मिलेंगे. इसमें IT अलग है, इसमें मैकेनिकल अलग है, सिविल अलग है, ये सारे ब्रांचेज अलग हैं. तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और कैसे प्लेसमेंट गेन करनी है. इसके लिए आपको फ़ाइट तो करनी पड़ेगी, तगड़ी फ़ाइट करनी पड़ेगी. लेकिन हाँ, एक बात आपको मानना पड़ेगा कि LPU आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है. सो उसे गेन कैसे करना है इसका आपको देखना है. सो ट्राई करना कि अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेते हो तो फर्स्ट ईयर से ही आप अपना एफ़र्ट देना शुरू करना. और जैसे मैं सेकेंड ईयर में हूँ और मुझे एफ़र्ट डालना ही पड़ेगा अपने लिए, अपने प्लेसमेंट के लिए, एंड आई विल. सो विलिंग मजबूत होनी चाहिए आपकी. और MCA और IT को भी सेम चांस मिलता है जो CSE BTech CSE वालों को मिलता है, वो चांस ये IT के फील्ड में और MCA के फील्ड में आपको मिलता ही मिलता है. सो आपको ये चांसेस गेन करनी है कैसे भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर मैं दूसरे प्लेसमेंट की बात करूँ तो LG, यहाँ पे सारे बड़ी कंपनीज आती है, गूगल भी आती है, बट प्लेस्ड हो स्टूडेंट ये उसके हाथ में है कि वो कैसे प्लेस्ड हो पाएगा. कंपनीज LPU का काम है कंपनीज लाना, जो वो लाती है. अगर मैं बड़ी कंपनीज की बात करूँ तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, साथ में कतर एयरवेज वगैरह जो है वो MBA वगैरह के लिए अच्छे प्लेस्ड करते हैं. ये जो लास्ट ईयर का प्लेसमेंट मैं देखूँ तो 22 लाख पे अल रखा ग्रुप दुबई के जो है एयरलाइंस वाले, वो प्लेस्ड कराए स्टूडेंट को. ऐसे बहुत से कंपनीज़ हैं यहाँ पे, कॉग्निजेंट, साथ में LG, सारी कंपनीज आती है. सो आपको सिर्फ ये करना है कि अपना बेस्ट देना है और जितनी भी कंपनीज़ की प्लेसमेंट होती है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पे फोकस करना है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज ज़्यादा प्रोबली वहाँ से क्वेश्चंस लेते हैं. तो आपको अपना बेस्ट रखना पड़ेगा जो कि थर्ड सेम में आपको पढ़ने को मिलेगा. रेस्ट अगर आपको और कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग, प्लेसमेंट के रिगार्डिंग और कोई और टॉपिक्स, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर यहाँ आसपास में मेरा इंस्टा ID आ रहा हो तो आप वहाँ पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो, मुझे DM कर सकते हो. ओके, सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप पुराने हो तो उसके बगल में बेल आइकन होगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसका बेल आइकन दबाना, ताकि कोई भी